हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जाथव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से एक्सरसाइज 8.1, जहां पर मैं आज पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर हमको समझना है द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:30। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का रेशियो आपको गिवन है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब आपको उस क्वाड्रिलेटर के जिसके ये रेशियो दे रखे हैं उसके सारे एंगल्स को निकालना है। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। मैं लिख दिया ए बी सी और डी, और इन सबों का रेशियो दे रखा है 3:5:9:30। तो मैंने इसको लेट कर लूंगा कि लेट, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। इसका सॉल्यूशन होगा, लिख लेंगे लेट द एंगल रेशियो बी एक्स। जो भी रेशियो इसका दे रखा है उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, एंगल रेशियो। ठीक है, तो यहां पर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3x। तो हमारे जो एंगल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3x, 5x, 9x और 30x। उसी तरीके से यहां पर लिखना है 3x, 5x, 9x और 13x। अब आपको मालूम है कि चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सारे एंगल्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको मालूम है सारे एंगल्स दे रखे हैं, तो लिखेंगे 3x, 5x, 9x, 13x और 360 डिग्री। अब आपको मालूम है कि इन सबों को ऐड करना पड़ेगा, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8x, 17x और 13, 30x। तो यहाँ आएगा 30x इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको मालूम है कि x कितना निकल के आएगा, तो x इक्वल टू 360/30। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, x इक्वल टू 36/3, इसको काट देंगे कितनी बार, 12 बार। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 12। अब इस 12 की वैल्यू को हम उठाकर 3x, 5x, 9x, 13x में पुट कर देंगे, तो हमारे एंगल्स निकल आएंगे। तो देखिए हमको मालूम है एंगल ए कितना है, एंगल ए के 3x, तो यहाँ आएगा 3 × 12 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल बी कितना है हमारा, 5x, इसका मतलब 5 × 12 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल सी विच इज इक्वल टू 9x, आंसर आएगा 9 × 12 विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। और आपका आएगा एंगल डी विच इज इक्वल टू 13x, तो आएगा 13 × 12 विच इज इक्वल टू 156 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 156 डिग्री। आई होप आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।